अगर आपके पास 20 से 25,000 रुपए है और आप सोच रहे हो एक मिनी डीजे सेटअप लोगे, साथ में एक ऐसा सेटअप होगा जिस सेटअप के साथ आप अपने पैसे को विड्रॉल भी कर सकते हो, मतलब कि आपका पैसा भी उसमें इन्वेस्ट हो जाए, साथ ही साथ आप अच्छा खासा इनकम भी कर सकते हो। एक ऐसा सेटअप आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा जो कि मात्र 20 से 25,000 रुपए में आपका काफी अच्छा मिनी डीजे सेटअप रेडी हो जाएगा। साथ ही में ये सेटअप होगा एक ब्रांडेड सेटअप, आप काफी अच्छे से इस सेटअप को इन हॉल एंड आउटडोर में भी यूज कर सकते हैं। डीजे बिजनेसमैन है उन लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगा। 20 से 25,000 रुपए में काफी अच्छा एक मिनी डीजे सेटअप इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं, मैं हूं सुखदेव, आप लोग देख रहे हो सुपर डीजे साउंड यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे डीजे रिलेटेड वीडियो हर दिन इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट में आप लोगों को मार्केट से JBL का SRX 722 मॉडल का आपको ऐसा कैबिनेट ले लेना है। कोई भी आप मार्केट से परचेस कर सकते हो, या फिर कोई भी आपको कैबिनेट के दुकान पर मिल जाएगा, या फिर आप मेरे से भी बनवा सकते हो, या फिर कोलकाता मार्केट जैसा कोई भी साउंड मार्केट से भी आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो आपको एक पेयर यानी कि दो पीस का खाली कैबिनेट का प्राइस लगभग आपको 8,000 रुपये में मिल जाएगा, जो कि SRX 722 मॉडल का होगा। तो ये वाला कैबिनेट आप ले सकते हो, इसका मॉडल भी काफ़ी अच्छा लगता है और JBL मॉडल में ही लगता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप यही वाला मॉडल ले लेना, काफ़ी अच्छा चलेगा मार्केट में, लोग पसंद भी करेंगे, देखने में भी अच्छा होगा, और स्पीकर जो मैं बताऊंगा वो वाला लगाते हो तो साउंड में भी काफ़ी अच्छा आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो दो पीस यानी कि एक पेयर आपको ले लेना है JBL 722 मॉडल का, टॉप प्राइस पड़ेगा 8,000 रुपये ओनली कैबिनेट का। अभी बात करते हैं यहाँ पर स्पीकर की, तो स्पीकर आपको यही वाला लेना है। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि ये वाला स्पीकर ले लो, ये अच्छा है वो अच्छा है, किसी के भी बात में नहीं आना है, आपको डायरेक्ट ये वाला स्पीकर ले लेना है। मॉडल नंबर है आउजा AS12X100। ठीक है, ये 100 वाट का स्पीकर होता है 12 इंच में, और 100 वाट होता है पूरा RMS पावर, और आउजा ब्रांड का है तो आप लोग समझ ही सकते हो। और यही वाला स्पीकर आपको लेना है, दूसरा कोई भी स्पीकर आपको नहीं लेना है। प्राइस की अगर बात करूँ तो ये स्पीकर आपको अप्रॉक्स 1200 रुपये में एक एक पीस मिल जाएगा, और आपको लेना है यहाँ पर चार पीस स्पीकर। ठीक है, चार पीस आपको ले लेना है, चार पीस स्पीकर का प्राइस पड़ जाएगा 4800 रुपये। और इस स्पीकर के साथ आप चाहे तो HF भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास बजट 2,000 या फिर 3,000 रुपये ज़्यादा है तो आप 20 वाट का 2 HF भी खरीद लेना, लेकिन आपके पास अगर बजट थोड़ा कम है तो आप सिर्फ स्पीकर से भी चला सकते हो। इस स्पीकर में आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा। ठीक है, आपको HF लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास बजट कम है तो। ठीक है, आपके पास अगर बजट 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा है तो आप 2 HF भी ले लेना, 20 वाट का या फिर 40 वाट का। अभी मैं आप लोगों को एम्पलीफायर दिखा रहा हूँ, ये एम्पलीफायर आउजा की तरफ से आता है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मॉडल है ये आउजा का SSA 250M। ये 250 वाट का एम्पलीफायर होता है, आउजा की तरफ से बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर होता है, बहुत ही पॉपुलर मॉडल का एम्पलीफायर है, आप किसी से भी पूछ सकते हो। ठीक है, और आप चाहे तो इसी एम्पलीफायर में आप 6 माइक्रोफोन तक भी चला सकते हो, मिक्सर भी नहीं लगेगा। और आउटपुट की बात करूँ तो इस एम्पलीफायर से आप बॉक्स और साथ में ड्राइवर यूनिट भी आप कभी कभी चला सकते हो, नो प्रॉब्लम, दोनों ही काफ़ी अच्छे से चला सकते हो इस एम्पलीफायर में। तो ये एम्पलीफायर आप मार्केट से परचेस कर सकते हो, कोई भी आउजा डीलर से ले लेना, क्योंकि ये एम्पलीफायर बहुत ही ज़्यादा डुप्लीकेट मिल जाता है मार्केट में, तो आप ओरिजिनल लेने के ही ट्राई करना, डुप्लीकेट मत लेना और आउजा के डीलर से ही लेना। ठीक है, प्राइस की बात करूँ तो अप्रोक्स ये एम्पलीफायर आपको 13,000 से 14,000 में ही मिल जाएगा, अप्रोक्स इतने में ही मिल जाना चाहिए, तो आप ये एम्पलीफायर ले लेना, दो टॉप काफ़ी अच्छे से आप इसी एम्पलीफायर में चला सकते हो। और अभी टोटल प्राइस निकाले तो आप लोग देख ही सकते हो, अप्रोक्स आपका ये सेटअप 25,800 रुपये में आ जाएगा। और ये सेटअप एक ब्रांडेड सेटअप होगा, आउजा कंपनी का स्पीकर और साथ में आउजा कंपनी का ही एम्पलीफायर, तो आप लोग समझ ही सकते हो काफ़ी अच्छा आउजा का ब्रांडेड सेटअप होगा और साउंड भी बहुत ही अच्छा आएगा। आप लोगों के पास अगर बजट कम है तो आप ये सेटअप ले सकते हो।